भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी यहाँ से कामयाब होगी। किस तरीके से देख रहे हैं पूरी 10 लोकसभाओं के अगर हम बात करें? 10 में 2009 में जो नतीजा था वो ही आने वाला है। 10 में से 9 कांग्रेस पार्टी जीती थी, शायद आपकी 10 की 10 जीत जाए। कोई बात नहीं, ऐसा है इस पार्टी का आप सबको मालूम है, 2014 में मुख्य विपक्षी दल क्योंकि भेजा पार्टी को, एक साल के बाद मैंने कहा था जब इनकी विधानसभा में देखी कि ये मुख्य विपक्षी दल नहीं मुख्य सहयोगी दल बना, तो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। अब चाचा कह रहा है भतीजा, भाजपा के इशारे पे काम मिला हुआ है, भतीजा कह रहा है चाचा मिला हुआ है, मैं कहता हूँ दोनों मिले हुए हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ मैंने तो कहा, कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा था मैं इस वास्ते नहीं भर रहा कि लेट हो गया, मैंने कहा तो समय आ जाओ, और खट्टर साहब ने कहा तो खट्टर साहब को भी मैंने कहा समय है यहाँ आ जाओ, या कहीं भी बताए मैं पहुंच जाता हूँ, मैं अपना नामांकन भरता हूँ वहाँ पे। दरअसल असली रुआ तो यही है ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला प्रश्न पूछना आप मेरे से चाहते हैं। मैंने बार बार इस बात को दोहरा दिया कि कुछ लोग 6 महीने की टिकट कटवाना चाहते हैं और मैं 50 साल का विश्वास देना चाहता हूँ। मैं 50 साल की सेवा के लिए यहाँ की जनता से आग्रह करता हूँ कि मुझे अवसर दो। कुछ लोग जैसे वो एक कहावत है वाया बठिंडा जाना चाहते हैं, कुछ लोग किलोई की सीट पर वाया सोनीपत होकर के जाना चाहते हैं। सोनीपत के महान लोग, जींद के महान लोग इतने नासमझ नहीं है कि ऐसे लोगों को वाया बठिंडा टिकट देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और इनेलो, मैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सारी बात छोड़ो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ही बात पूछो कि वो इस बात की शपथ ले लें लोगों के सामने कि वो अगला चुनाव किलोई से नहीं लड़ेंगे, लेट मी कंप्लीट, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे और 5 साल तक इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेने को तैयार हूं। आपको बच्चा बताया कि मैंने कहा बच्चा बड़ा बाकी बात, 25 साल का हर नौजवान चुनाव लड़ सकता है और बच्चा इनका उठाटा पहलवान देखे नहीं जी ने ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी में चोर साहब, मैं चोर साहब से कहूंगा भाई काम की बात करो, पॉलिटिक्स विचारों का है, भावनाओं का नहीं है। भावनाओं पे तो इन महान लोगों को, इन भोले भाले लोगों को आपने बहुत गुमराह किया। मैं तुम्हारी चौधर ले आऊं, मेरी 2 आंख है, इस दूसरी आंख के लिए आपने किया क्या? एक चीज बता दें, एक पुल बनाया और उसकी भी जर्जर हालत है, आज जाके देख लो। जेजेपी और बीजेपी को एक पार्टी बताया, जेजेपी और बीजेपी को एक ही पार्टी बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए दिग्विजय को यहां पर बीजेपी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी वाले लोगों से डरते होंगे, दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से सीधी टक्कर लेने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है भूपेंद्र हुड्डा, जो दर दर की ठोकरें खाकर अपने सीबीआई के केसेस की सेटिंग बिठा रहे हैं, वो डरते होंगे, मगर चौधरी देवीलाल का खून निक्कर वालों से डरेगा नहीं। इस गलतफहमी में ना रहे।